की जो इतिहादी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जिन्होंने दस्तखत किए उन्होंने मिलकर, आपने देखा हमने अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया और अमेंडमेंट करने के बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में उन्होंने जो अपने पावर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। और आप देखेंगे आज जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट का उसको हमने स्ट्रांग किया। और आपको याद होगा कि जब पहली स्पीच मेरी हुई थी उस वक्त जुडिशरी के आला जजेस जो थे वो नज़रबंद थे और मेरा पहला ऑर्डर ये था कि उनको रिहा किया जाए। और जो दूसरा मेरा उस वक्त रिक्वेस्ट थी टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस वक्त परवेज इलाही साहब थे, चौधरी परवेज इलाही साहब थे और मखदूम फैसल साले हयात थे, तो उस वक्त तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी था। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुल्क के गंभीर हालात हैं और इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपका तावन चाहिए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। जबकि मेरे पास 264 वोट्स थे, आई हैड दी मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, उसके बावजूद भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वोट करें और उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए उन्होंने मुझे वोट दिया और मैं यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन गया। और आपको देखा होगा कि उस वक्त भी अदलिया के साथ हमारी टेंशन थी और मैं एक डिनर था जिसके ऊपर मैं चीफ जस्टिस के घर में गया और बहुत से हालात नॉर्मल हुए और चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि गिलानी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लेते। तो मैंने कहा कल आप आ जाएं, कल आप मेरे पास चाय पिए, और वो मेरे पास आ गए और हालात स्टेबल हो गए कुछ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वर्कर्स जो हैं, खैर नवाब साहब तो लीडर हैं, पार्टी इनके सरबराह हैं, तो हम इनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि मुल्क में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस ही काम कर सकती हैं। तो हम इनके पास आए हैं कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो टेंशन इस वक्त मुल्क में है उसको डिफ्यूज़ की जाए और हम एक ऐसा रास्ता निकालें जिस पे हम ये कौम को पैगाम होना चाहिए कि हम मीनिंगफुल जो डायलॉग होगा या मीनिंगफुल जो हमने कुछ बातें हैं जो डिफ्यूज़ करनी है, तो वो हम पहले अपने इतिहादियों से शुरू करें, पहले इतिहादियों के साथ बात करें कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो इतिहादी हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं और नवाब साहब की तरफ हम आए हैं और हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की है। अब नवाब साहब जो हैं वो खुद आपको बताएंगे जो हमारी रिक्वेस्ट थी और इसी तरीके से हम दूसरी भी अपने इतिहादियों से पहले बात शुरू करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस बात को एक्सप्रेस किया है और उस पर कहा है कि ये हमारा काम है कि हम इसको डिफ्यूज़ करें और डायलॉग की तरफ हम जाएं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आ गए। आज पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आया है जिसको हेड कर रहे हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, नवीद कमर साहब और कायरा साहब। और जैसे कि मुल्क में सूरत हाल आप देख रहे हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है और इन्होंने पार्टी लीडरशिप का बताया है कि बातचीत के अमल को चलना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए और इनकी इस बात को हम वेलकम करते हैं। और हमने ये गुजारिश की है कि हम अपने दोस्तों से क्वेटा में बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों इस पर दोबारा बैठेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बातें तकरीबन हो गई हैं। पूरा इस काविश का मकसद ये है कि मुल्क में हमेशा सियासतदान ही आखिर में चीज़ों का हल निकालते हैं, सियासत से ही हल निकलता है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। तो उसी हल को निकालने के लिए हमने अपनी काविश शुरू की है, आज बुक्टी साहब से की है, उसके बाद हम बाकी अपने एक एक करके पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे और उनको भी
ऑन बोर्ड करेंगे। इससे पहले कि हम जो इस वक्त की मौजूदा ऑपोजिशन है उससे बात करें, पहले अपने अंदर जो है रूलिंग जो कोलिशन है उसमें एक कंसेंसस बना के फिर आगे जाके डायलॉग करें। या हम कोई एजेंडा कैरी नहीं कर रहे किसी का भी, हम चाह रहे हैं कि इस डायलॉग के जरिए ही सॉल्यूशंस निकले जो कि इस मुल्क के इस वक्त के जो मौजूदा सियासी माशी मसाइल हैं उसका हल जिसमें मौजूद हो। आपकी मीटिंग गिलानी साहब ने, नवाब साहब ने, नवीद साहब ने बात कर दी। डेमोक्रेसी डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। ये हमारा पुराना मौकफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तजुर्बे से और बहसो तमीज से इस नतीजे में पहुंची है। बहुत हिद्दत है, बहुत तकलीफ दह माहौल बना हुआ है सियासी जमातों के अंदर भी और हुकूमत अपोजिशन या इदारों के अंदर भी। इस सारे अमल को पहला काम सियासतदानों का है, सियासी जमातों का है। तो जिस तरह हमने गुजारिश की है कि हम इस काबिश कर रहे हैं कि सारे दोस्तों को ऑन बोर्ड करके फिर सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए, वे फॉरवर्ड निकाला जाए ताकि ये स्टैंड ऑफ जो लाइक जो सिचुएशन है इससे निकला जाए और यकसुई के साथ हम पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वो इकदाम उठा सकें। और अगर मुमकिन हो तो लार्जर जो एजेंडा है, फ्यूचरिस्टिक जो एजेंडा है उसके ऊपर काम कर सके। ये तो इसका इशू था, आज इसका आगाज किया है। इसके लिए हमें तवक्को है कि लोगों के अंदर भी आज ये अर्जियत, कौम भी देख रही है सियासतदानों की तरफ कि क्यों हम आगे बढ़ के ये काम नहीं कर रहे। तो पीपल्स पार्टी से इसके लिए कोशां थी, हमारे सब दोस्तों के अंदर इसकी ख्वाहिश मौजूद है। थोड़ा सा एक तल्ख माहौल सा बना हुआ है, वो खान साहब ने जितना तल्ख माहौल बनाया था या बनाया हुआ है उसके नतीजे में हमारे रवैयों के अंदर भी तलखी आई है, तो उसको सॉफ्ट करने की जरूरत है। उसके लिए हमने आगाज किया है, हम तवक्को करते हैं कि जल्द से बेहतरी का साथ एक पॉइंट है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आसिफ अली जरदारी साहब एक्स प्रेसिडेंट और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कैटेगोरिकली कि ये इस वक्त ड्राइविंग सीट पे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इतिहादी हैं हम उनके साथ इतिहादी हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, तो जब हम कायल होंगे तो हम उनको भी कुछ बात करेंगे। तो इस पोजीशन में जब होंगे तो फिर ही बात हो सकती है। एक पॉइंट जो है जिस पे जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात हुई थी, हमारी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे भी बात होनी चाहिए। ये बताइएगा कि इससे जैसे आपने बात की है कि आप जजेस के साथ जाके मैंने उनसे बैठक की है, हम देख रहे हैं कि करारदाद पर करारदाद तो एक साइड ईवान में मंजूर हो रही है, दूसरी तरफ जजेस भी अपने बेंचेस बना रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप आपस में मिलके कोई बातचीत कर देखें? आप ये बताएं कि मुझे डिस्क्वालीफाई किसने किया था? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। उनसे पूछें उनकी बेटी की शादी पर मैं गया था या नहीं गया था, अब भी क्या मेरा उनसे रब्ता है या नहीं है। तो हम बेटर नहीं है क्योंकि जब हम जेलों में थे, नवीद साहब ही हमारे साथ थे, बल्कि मेरे इंस्ट्रक्टर भी थे, टीचर भी थे कंप्यूटर के, तो हम उस वक्त जब जेल से हमारा भी वहाँ नेल्सन मैंडेला को हम पढ़ते रहे, जब मेरा एक स्टेप जैसे उसने कहा कि एक जेल के अंदर था एक बाहर था, तो उस वक्त हमने तहिया किया कि हम बेटर नहीं होंगे और हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। और आपने देखा कि मेरे दौरे इक्तदार में एक भी सियासी कैदी नहीं था, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमने एक बहुत आजमाइश देखी है और आपने देखा होगा कि इस दौरान मेरा कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आया। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने ये किया, तो मैं चाहता हूं कि माहौल बेहतर होगा तो शायद आगे बात चले, मगर खत्म नहीं होना चाहिए। ये जो आज डायलॉग का अमल शुरू हुआ है, एक ये जो डायलॉग का अमल शुरू किया गया है, अल्लाह करेगा इससे ये रास्ते निकलने की कोशिश करेंगे। सर पार्लियामेंट इस वक्त सुप्रीम है या अदलिया अपने आप को सुप्रीम जाहिर करने की कोशिश है? ये चीजें देखे ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में तय है, इसको इस वक्त किसी के तरफ से भी रीओपन करने की जरूरत नहीं है। जो जिसका रोल है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ड है ट्राइकोटमी ऑफ पावर पे, और ट्राइकॉटमी में तीनों जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की ऑफ स्टेट की
वो सब के सब की अपना एक रोल है, वो एक दूसरे के जब रोल में ओवरलैप होता है तभी ये मसाइल खड़े होते हैं। तो उस लिहाज से तो इस वक्त ये बात नहीं हो रही, इस वक्त हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस बहस में ना पड़े। सर रास्ता निकलता है जब इंसाफ की बात हो, सर जब इदारे अपने पावर से क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सीड कर रही है, क्योंकि सर सारी चीजें तो बैक एंड में मैं बताऊंगा। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू व्हाट द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने रिस्टोर किया, तो उस वक्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं था और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं था, वो कोई दरमियान में कोई चीज़ थी। और जब सदर साहब ने जरदारी साहब ने अपने पावर मुंतकिल किए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने स्ट्रेंथन किया। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो जिक्र कर रहे हैं, तो अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट प्ले देयर रोल। अंडर द एम्बिट ऑफ द अवाम का हक है, जमहूरियत में अवाम हक हाकमियत रखते हैं और हाकमियत अवाम के नुमाइंदों के जरिए होती है, और जहां पे अवाम के नुमाइंदे बैठ के फैसले करते हैं वो अवाम की राय लेते हैं, वो है सुप्रीम। वो सारी दुनिया में एक ही जगह पे सुप्रीम है जहां जहां डेमोक्रेसी है, तो ये सेटल्ड लॉ है न सिर्फ आइन में बल्कि दुनिया भर में जहां जमहूरियत है कि अवाम के नुमाइंदे जहां बैठ के फैसले करते हैं वो इदारा सुप्रीम है। अदालत के अंदर वहां नुमाइंदे नहीं है, वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदों के बनाए हुए कानून के तहत एक इदारा खड़ा हुआ है, हमें उसका एहतराम है, उसकी अपनी एक हैसियत है जो आइन ने दी हुई है। कहता ये सुप्रीमेसी का इशू सेटल हो चुका है। सर ये पीपल्स पार्टी तो मामला हल करने की कोशिश कर रही है और शुरू दिन से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये दायर हो रहा है कि आपने हमेशा कोशिश की है, लेकिन नून लीग की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तक जानबाजी और फिर ये जो इंतकाम की कार्रवाई चलती रही है, एक तो इस माहौल को आप कहते ठंडा करेंगे, इसी को नरम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं कि नून लीग की तरफ से ये हुआ है, तो वो भी बिटर थे, हम भी बिटर थे कि आप देखें क्या आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में नहीं डाला गया था, क्या फरियाल तालपुर साहबा को जेल में नहीं डाला गया था, क्या खुर्शीद शाह साहब को जेल में नहीं डाला गया, क्या हमारे और लीडर्स को जेल में नहीं डाला गया, अपना खुर्शीद शाह साहब, अपना नवीद कमर साहब, ये भी जेलों से में से हो गए हैं, उनका भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया, फिर मियां शहबाज शरीफ को डाला गया, हमजा शहबाज को डाला गया, मरियम नवाज साहिबा को डाला गया, तो और वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनको डाला गया। तो इसलिए मतलब बिटरनेस तो है, मगर सिर्फ ये है कि अब हम चाहते हैं कि इसकी कुछ कमी होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर सूरत हाल जो आपका सवाल था, वहाँ पे देखिए वहाँ पे एक सूरत हाल इवॉल्व हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खाली हुआ है, अब वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ सारी अपनी अपनी मशावरत कर रही हैं, हर जमात अपना रोल प्ले करें। देखिए हम भी कोशिश करेंगे, क्यों नहीं, हमारा हक है, देखते हैं क्या होता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा की आइन की सियासत की है, लेकिन बजाय नजर ऐसा आ रहा है कि जैसे इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग एक पेज पर नहीं है, और इस टाइम से सियासी कुरान जो अपनी जगह खड़ा, मगर एक आइनी कुरान शुरू हो गया, उसको आप कैसे लेते हैं? देखें मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप ये गलत फहमियां न डलवाएं कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। अगर हम सेम पेज पे ना होते तो हमारी क्या मजबूरी थी कि हम इकट्ठे होते, तो वी आर ऑन द सेम पेज, मगर मुख्तलिफ जमातें होते हुए अपना एजेंडा है, अपना मंशूर है, मगर ऑन बेयर मिनिमम हम इकट्ठे हैं और हम इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम सब इकट्ठे हैं। इस काविश का एक और गुजारिश है, ये जो काविश हम कर रहे हैं, इस काविश का हमारे इतिहाद के अंदर किसी फ्रिक्शन की बात नहीं है, हम तो एक वे फॉरवर्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह आप इसको प्रसीव कर रहे हैं ये सिर्फ उतना नहीं है, हम कोई वो किसी और लाइन पर सोच रहे हैं, हम किसी नो, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डायलॉग का अमल आगे बढ़ के ना सिर्फ ये कि इस वक्त चीजों को सॉल्व करें, बल्कि आइंदा के लिए भी वो रस्ते जो शहबाज शरीफ साहब ने खुद नहीं ऑफर की थी, गवर्नमेंट में आके भी अपोजिशन में भी हमने नहीं की थी कि जी आप वेब फॉरवर्ड निकालें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ये वेब फॉरवर्ड है। क्या चीज पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का कोई ऐसा इरादा रखती है? इसी वजह से देखें हमारा एक कोलिशन गवर्नमेंट है और कंसेंसस है हमारा,
और जो काम भी होगा कंसेंसस के साथ होगा, हमारा इस वक्त कोई इस पे बात नहीं। आपकी बार भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हो सकती है या जजेस को अपने पास बुलाने के हवाले से कोई चीज हो सकती है, जिसका माजी में आप देखें हम आपके वजीर आजम चले हम माहौल बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि जब हमने गोल्डन जुबली मनाई तो एक सीनियर जज साहब हैं वो तशरीफ लाए थे। साहब मेरा सवाल ये है कि जैसे खैरा साहब ने अपनी बात की है कि पार्लियामेंट आइन बनाता है, कवानीन बनाता है और अदलिया उस कवानीन के जरिए फैसले करती है, तशरीह करती है। क्या इस जो मौजूदा सूरत हाल एक तसादम की सूरत हाल नजर आ रही है, क्या इससे बचने के लिए एक फरीक नीचे हटने को तैयार हो? देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि असूल की बात है। उन्होंने जैसे कायरा साहब ने कहा और जैसे नबीद भाई ने कहा कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। अब तमाम इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए अपना अपना काम करें तो कोई तसादम होने की जरूरत नहीं है। ये माहौल किस चीज़ के लिए सर बस इतना आपके भी जवाब दिया कि माहौल बना रहे हैं। सर माहौल किस हवाले से बना रहे हैं? इसकी थोड़ी माहौल ये बना रहे हैं कि इस वक्त डेडलॉक है और अवाम मायूस है, अवाम परेशान है और कोई उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा, वो लोग डिप्रेशन में हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको होप हो कि हम पॉलिटिशियंस अपना रोल अदा करें। माहौल बना रहे हैं, एक मिनट ठहर जाएं। माहौल हम बना रहे हैं जिस तरह गिलानी साहब ने कहा, बड़ा सिंपल। हमारी कोशिश है कि बैठ के मुस्तकबिल के रास्ते निकालें। ये जो आपस में एक तरफ इधर मुंह करके और एक तरफ इधर मुंह करके ये जो डेडलॉक बने पड़े हैं, इससे रास्ते नहीं निकले। अल्टीमेटली अवाम का नहीं, अवाम का फायदा इसी में है। आप नहीं चाह रहे हो कि कोई फायदा हो।